आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान। वो आगे तमाशा देखने, तो आज मैं उसकी बात करें जिसका मोटिवेशन सुनकर लोग कैरियर नहीं बनाते, लड़कियां पटाते हैं। अब खाली छोड़ी पटाता है। और पता है उस रिलेशनशिप के बाद लड़की कौन सा गाना सुनती है? तो आज हम बात करें समीर स्टाइलो की। मेरी जान। समीर स्टाइलो में स्टाइल की स्पेलिंग उतनी ही करेक्ट है जितने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंग्लिश। पता है ये जब स्कूल जाता था और कोई से क्वेश्चन पूछता था तो इसका आंसर क्या होता था? ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। कौन पोयम याद है? 55। यार ये कैसा नाम है स्टाइलो, जैसे कि कुछ दे रहा है। चाय लो, कॉफी लो, सूप लो, खाना लो, और कुछ बचा है लेने के लिए? बात तो सही है। स्टाइल लो, ये कुछ दे या ना दे एक चीज जरूर देता है, क्रिंच कंटेंट। ये दुनिया सांपों की बस्ती है जो रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ पर भरोसा बहुत महंगा है लेकिन नफरत बिल्कुल सस्ती है। लेकिन कैसी तुम्हारी हस्ती है, गर्दन बार बार जगह से क्यों खस्ती है? क्या गांड में तुम्हारे मस्ती है? दोस्त वो नहीं होता जो तस्वीरों में साथ खड़ा हो, दोस्त तो वो होता है मेरा भाई जो तकलीफों में भी साथ खड़ा हो। आ मेरी जान। खुद की ही उंगली ठीक से खड़ी नहीं हो रही है और इसको दोस्त चाहिए खड़ा। वाइग्रा ले ले, कोई खड़ा रहे ना रहे वो जरूर खड़ा रहेगा। बात तो सही है। जिंदगी के हर लम्हे को खुलकर जिया करो। अरे आंसू खुशी के हो या गम के, बस चाय समझ के पिया करो। आ मेरी जान। पागल हो गया क्या? आंसू पोंछते हैं पीते नहीं। अच्छा, इसके शायरियों में उतना ही लॉजिक होता है जितना टॉलीवुड के फाइट सीन में होता है, यानी जीरो। ये वही लोग हैं जो जिंदगी को खुलकर जीने के बहाने नुक्कड़ पर गांजा फूंकते हैं। बेटा जिंदगी जब लेने पर आती है ना तो आंसुओं से सिर्फ आंखें सूजा कर नहीं जाती, गांड भी सूजा के जाती है। अपना बुरा दिन देखकर तू क्यों किस्मत पे रोता है? अपना बुरा दिन देखकर तू क्यों किस्मत पे रोता है? मुश्किलों से हार मत मेरा भाई, क्योंकि एक बुरा दिन सिर्फ 24 घंटों का ही होता है। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि दिन में 24 घंटे होते हैं। हाय, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हर शायरी के बाद तुम उंगली क्यों ऊपर कर देते हो? हर शायरी के बाद तुम उंगली क्यों ऊपर कर देते हो? बाथरूम जाया करो, रील्स पर क्यों हक देते हो? जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और बेटा जो पसीने से नहाता है वो पूरा इतिहास बदलता है। ऐसा कौन सा नशा करके तुम हिस्ट्री का पेपर लिखते हो कि इतिहास ही बदल देते हो? ये क्या बात करता है यार। पसीना तो मजदूर भी अम्बानी से ज्यादा बात है, तो क्या बदल लिया इतिहास? जिंदगी में कभी किसी की मीठी मीठी बातों में मत आना मेरा भाई, क्योंकि कभी कभी कबूतर को दाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए डाला जाता है। कबूतर को दाने की नहीं तुम्हें खाने की जरूरत है। चमगादड़ तो पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा, चमगादड़ तो पेड़ पर उल्टा लटक जाएगा, लेकिन तू ये हैंगर जैसी बॉडी पर टी-शर्ट कब तक लटकाएगा? आ मेरी जान। मजा आ रहा है ना जिस तरह हम कर रहे इसको डिस्क्राइब? तो रुके क्यों हो, कर दो ना सब्सक्राइब। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल रख यकीन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा। आ मेरी जान। प्यासा समंदर का क्या करेगा? और अगर तुम्हें पूल में ही समंदर मिल रहा है तो खारा पानी समंदर नहीं, क्लोरीन और यूरिन है। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरा भाई, तेरी कामयाबी पे तारीफ और तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग आएंगे मगर तेरे सुख में सारा जमाना होगा। तो जो होगा वो होगा, लेकिन तुम्हारी शायरी सुनने से अच्छा समंदर में डूब जाना होगा। चिंगारी को फूकने की आदत नहीं है हमारी, हक की बात पर आग लगाने की ताकत रखते हैं। और हाँ मेरा भाई, शुरुआत चाहे कैसी भी हो अंत एकदम लाजवाब होना चाहिए। 20 सेकंड की रील्स नहीं है और इसे क्लाइमैक्स चाहिए। गारी। क्लाइमैक्स की स्पेलिंग बोलने से पहले ही तुम्हारी रील्स खत्म हो जाती है। और इसे क्लाइमैक्स या अंत क्या होता है वो बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीड फूकने वाले फूक फूक कर पहुंच चुके ऑन मून, वीड फूकने वाले फूक फूक कर पहुंच चुके ऑन मून, और तेरी शायरी सुन सुन कर कान से आ रहा है खून। आ मेरी जान। आ मेरी जान, मार देना।